सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बीएनसी यूनिवर्स को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियो सबसे पहले। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जापान में वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या स्टेप्स होंगे, किस तरह से आप जॉब लेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आज का वीडियो रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जापान वर्क परमिट लेना काफ़ी ज़्यादा आसान है वैसे, अगर आपको सही तरीका पता हो तो, क्योंकि जापान जाना काफ़ी इजी है। जैसे मैंने विजिटर वीज़ा का कहा था, विजिटर वीज़ा में जाना काफ़ी ज़्यादा इजी है और काफ़ी कम डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आप वहाँ पे विजिटर वीज़ा पे काफ़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। और एक बार आप वहाँ पे पहुँच जाएँ देन आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, खास करके टीचिंग लाइन में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है अगर आप जाना चाहते हैं, खास करके इंग्लिश टीचर की काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर डिमांड है, क्योंकि लैंग्वेज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा का डिमांड में है, खास करके इंग्लिश लैंग्वेज की डिमांड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो भी इंग्लिश टीचर ये वीडियो देख रहे हैं वो ये चीज़ जान लें कि उनका जाना वर्क परमिट में काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि उनको करना ये होता है कि उनको सिर्फ एक स्कूल या कॉलेज से एक लेटर चाहिए, जो कि है जॉब ऑफर लेटर या फिर जैसे स्पॉन्सरशिप लेटर भी कह सकते हैं, कि वो उन्हें रख रहे हैं एज ए टीचर, जिसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ चाहिए जो कि बाकी कंट्री में नहीं चाहिए, वो है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट पहले लेना है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है वहाँ पे, आपको जॉब या फिर स्पॉन्सर लेना है, स्पॉन्सर अगर आपको मिल जाता है देन आप आराम से यहाँ पे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वही रहते हैं जो हमेशा के लिए रहते हैं, वो है पासपोर्ट, देन आपका बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी है कि कई बार ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट मांगा जाता है, डुप्लीकेट नहीं चलता है यहाँ पे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट अगर आप दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सेफर साइड में रहेंगे, और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा यहाँ पे अगर आप जाना चाहते हैं तो। साथ ही साथ IT रिटर्न्स अगर आपका एक्सपीरियंस है तो, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, देन एक कवरिंग लेटर जिसे कि हम SOP कहते हैं स्टूडेंट वीज़ा में। कवरिंग लेटर में सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए कि आप क्यों जा रहे हैं, क्या है आपका पर्पज़ और किस तरह से आपको ये स्पॉन्सरशिप मिला है या फिर ये जॉब मिला है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपके पास फंड एडुकेट होना चाहिए ताकि आप वहाँ पे पहुँच के सेटल हो सके और आपको कोई दिक्कत ना हो, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और वीज़ा अप्लाई करना है ताकि कोई दिक्कत ना रहे और आपका वीज़ा क्लियर हो जाए। और काफ़ी आसान भी रहता है जापान वीज़ा वर्क परमिट मिलना, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो है स्पॉन्सरशिप जो कि आपको वहाँ से लेनी है, और दूसरा है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। ये दो चीज़ें आपके पास है देन आप आराम से वहाँ पे जा सकते हैं वर्क परमिट पे, या फिर आप किसी इमिग्रेशन लॉयर की भी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी इमिग्रेशन लॉयर की सलाह लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। जो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप विजिटर वीज़ा पे वहाँ चले जाइए, किसी इमिग्रेशन लॉयर से कांटेक्ट में आइए और उनके साथ, जैसे आप कांटेक्ट में आएंगे आपको वो बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी रहेंगी, तो उनके थ्रू से भी आप अपनी फाइल पुट अप कर सकते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन लॉयर अगर आपके साथ रहता है देन आपके लिए बेनिफिशियरी होता है और आपका वीज़ा प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। बट इमिग्रेशन लॉयर नहीं है देन ऑल्सो आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ईजी है। जैसे मैं पहले से बता रहा हूँ, आपको VFS ग्लोबल का जो वेबसाइट है उसमें जाना है और एप्लीकेशन अपनी फ़ाइल करनी है, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने कहे वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे सबमिट करना है, और साथ ही साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म जो हमेशा से लगता ही है, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जमा करनी पड़ेंगी और वो आपके डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज करेंगे। अगर उनको लगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हैं देन वो आपको जनरली वर्क वीज़ा वहाँ पे मिल जाता है, तो काफ़ी इजी है, खास करके टीचर जो लोग इंग्लिश टीचर हैं वो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो वो लोग ये वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। सो अगर आप इंग्लिश टीचर हैं देन ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपके मिलने के चांसेस वर्क परमिट वो काफ़ी ज़्यादा हैं बाकी लोगों से कंपेयर करें तो। तो ये था आज का वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए देन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी जानकारी आप तक पहुंचा दूंगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दिस इज़ विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।